कोविड केयर हेल्थ सेंटर हरोली में कोरोना वायरस से शनिवार को एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार जिला प्रशासन की देखरेख में कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत किया गया। बता दें कि मृतक के परिवार में उसकी धर्मपत्नी, पुत्र और पोती भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। वहीं उसके पुत्र की हालत भी बेहद नाजुक है और उसका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है और वह भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। मृतक के भतीजे ने ही उसकी चिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की तमाम रस्मों को पूरा किया। ऊना जिले में कोरोना वायरस से मौत का ये चौथा मामला शनिवार तड़के दर्ज किया गया। जिन्हें लख लख रुपया तनखा मिल रही सब दूर खड़े देखा दे आज सुबह एक कोविड 19 पेशेंट की जो डेथ हरोली हॉस्पिटल में हुई थी, उसे केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं कोविड 19 के पेशेंट की मृत्यु के बाद कैसे उसको जलाया जाना है, उन सभी का पालन करते हुए उसका दाह संस्कार जो है वो अभी कर दिया गया है, जिसमें जिला प्रशासन ने पूरी एहतियात का बरता है। कल रात को एक हमारे पेशेंट जो है DCC पालकुवा में थे, 64 साल के, वो उनको प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आई और छाती में दर्द हुआ, तो 3 बजे के करीब उनको शिफ्ट किया गया, DCSC हरोली में शिफ्ट किया और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की गई। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और पेन बढ़ता गया चेस्ट में, तो उसके बाद उनको शिफ्ट करने के लिए धर्मशाला के लिए रेफ़र किया जा रहा था। इन द मेन टाइम उनकी डेथ हो गई, तो ये बहुत दुखद है। और अभी हमारी टोटल जो है 4 डेथ्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। We'll be right back.